सुजाता जी, एक मिनट मैं भगवान धन्वंतरी का वंदन बजा दूं, फिर आप इसको लाइव इसको शेयर कर दीजिएगा, है ना जी। जी जी सर। शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोज्जनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आयुष दर्पण पर ये चरक संहिता का पठन और विवेचन सत्र प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि आज पहला दिन है, इसलिए मैं यहाँ पर वैद्य सुजाता चौधरी जी का इंट्रोडक्शन देता हूँ। वो गुरुकुल से पोस्ट ग्रेजुएशन काय चिकित्सा में है, और उन्होंने जो है अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के समय में सूत्र और का पाठ पठन में जो है एक बहुत उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया है। और ये हमारे लिए बड़ा अच्छी बात है कि हम आयुष दर्पण के इस प्लेटफॉर्म पर आज से पुनः यह सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि चिकित्सा में चरक का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। तो और सबसे बड़ी बात है कि प्रातः काल संहिताओं को सुनना अपने आप में स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है, और ये नित्य सत्र होगा। इसके बाद रात को 9 बजे क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा भी होगी, जिसमें आप सभी आमंत्रित रहेंगे। तो यहाँ पे अनन्या जी, श्री प्रिया जी, डॉक्टर अंजना जी और बहुत सारे लोग हैं। तो मैं वैद्य सुजाता जी से अनुरोध करता हूँ कि वो अपने सत्र को प्रारंभ करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने बताया, अभी हम आज से चरक का पाठ हम शुरू करने जा रहे हैं। कुछ चरक संहिता पर विवेचन प्रातः काल में जो वंदनीय हमारे धन्वंतरी देव हैं उनका स्मरण करके हम हमारा पाठ शुरू करेंगे। और चिकित्सा स्थान से आज हम शुरू करने वाले हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर शायद देख पा रहे होंगे जो चरक संहिता मैंने चिकित्सा स्थान अध्याय एक अभया मलकीय रसायन पाद की जो स्क्रीन आप शायद देख पा रहे होंगे। तो यहाँ से आज हम हमारा जो पाठ है पारायण है वो शुरू करेंगे। सुश्रुत संहिता का एक वाक्य आता है कि प्रागल्भ्ये कर्म नैपुणे तदभ्यासे च सिद्धौ च यतेताध्ययनान्तः। जब हम अध्ययन करते हैं हमारे शास्त्रों का तो प्रागल्भ्य और कर्म निपुणता ये दो बाद के स्टेप्स हैं। शुरू के स्टेप्स आते हैं हमारे वाक् सौष्ठवेऽर्थ विज्ञाने प्रागल्भ्ये कर्म नैपुणे तदभ्यासे च सिद्धौ च यतेताध्ययनान्तः। अध्ययन में जो लगे रहते हैं जो वैद्यगण जो भी विद्यार्थी हैं उनको चार बातें विशेषकर जब हम आयुर्वेद पढ़ते हैं तो चार बातें ध्यान में रख करके अपना अध्ययन पूर्ण करना है। सबसे पहले वाणी की सुष्ठुता अच्छापन कि जो भी हम श्लोक बोल रहे हैं जो हम सूत्र बोल रहे हैं चाहे वो पद्य रूप में है चाहे वो गद्य रूप में है उसमें वाणी की सुष्ठुता होनी चाहिए। शुद्ध उच्चारण करना हमें आना चाहिए। तो वाक् सौष्ठवे सप्तमी विभक्ति यहाँ पर लगी है। वाणी के सौष्ठव में हमें निरंतर
यतेत प्रयत्न करना चाहिए कि हमारा उच्चारण और शुद्ध हो सके। हमारी जो भाषा है संस्कृत भाषा जिसमें शास्त्र लिखा गया है उसका परिष्कार और हमारा हो सके, तो इसके लिए निरंतर हमें प्रयत्न करना चाहिए। जब एक बार हम भाषा को समझने लगेंगे, शुद्ध उच्चारण करने लगेंगे, तो वही एक तरीके से परिचायक होगा इस बात का कि हम कुछ कुछ आयुर्वेद जानने लगे हैं। क्योंकि जब तक हमें भाषा का ज्ञान नहीं होगा, आयुर्वेद का जो मूल सिद्धांत है, जो मूल सिद्धांत आयुर्वेद में निहित है अनेकों, उनका वास्तविक ज्ञान तब तक हमें नहीं होगा जब तक हमें भाषा ज्ञान नहीं होगा। ये कुछ ऐसा ही है जैसे मान लीजिए हम किसी ट्रांसलेटर को रख लेते हैं, फ्रेंच में या जर्मन में हम कुछ कोई ग्रंथ लिखा हुआ है उसको हम पढ़ना चाहते हैं, और कोई ट्रांसलेटर हमें ट्रांसलेट कर करके बताए, तो अब हम पूरे के पूरे अधीन होते हैं उस ट्रांसलेटर के। यदि कोई गलत बात भी वो हमें बताते हैं जो वास्तविक मर्म की बात नहीं है, उन्हें भी उस बात का वो केवल ट्रांसलेट कर सकते हैं, उस शास्त्र का वास्तविक मर्म ज्ञान उनको नहीं है, तो हम भी उस विषय में भटक जाएंगे। तो ये कुछ ऐसा ही है कि हमें गाइड कर रही है हिंदी की पुस्तकें और हम उस उनसे आयुर्वेद समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो शायद कहीं ना कहीं समस्या आ सकती है कि जो अग्निवेश तंत्र हमें देना चाहता था, जो मूल चरक संहिता हमें देना चाहती है, वो चीजें शायद हमारे पास ना आ पाए। तो सबसे पहले हमें भाषा पर अपनी पकड़ बनानी है, वाणी की सुष्ठुता बनानी है। उसी के लिए आज हम पाठ करेंगे और अर्थ ज्ञान भी करेंगे, क्योंकि आचार्य सुश्रुत आगे कहते हैं कि वाक्सौष्ठवे पहला जो पड़ाव हम पार कर लेंगे, फिर अर्थ विज्ञान है, फिर हमें अर्थ विज्ञान में प्रयत्न करना है। ऐसा नहीं कि हम केवल पाठ कर रहे हैं और हम मर्म जान ही नहीं रहे। प्रत्येक सूत्र का, प्रत्येक मंत्र का, जैसा कि हमारी चरक संहिता में भी बताया गया है, वाक्यशः वाक्यार्थशः और अर्थावयवशः, तो पहले हम पूरे वाक्य को जाने कि वो क्या कहना चाह रहा है, मोटी मोटी बात को समझें, फिर वाक्यावयवशः उसके छोटे छोटे टुकड़ों को भी हम समझें कि वास्तविक मर्म की बात क्या है, और फिर उसके बाद अर्थावयवशः प्रत्येक जो विषय है उसको भी अवयवशः हम पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। तो पहले हम शास्त्र को जानें, उसका अभ्यास ठीक से करें, वाणी की शुष्टता में प्रयत्न करें, फिर अर्थ विज्ञान करें, फिर प्रागल्भ्य। प्रागल्भ्य यानी कि बिना डरे सहमे हम प्रवचन कर पाए, हम हमारी बात आगे डिलीवर कर पाए। वो तभी संभव होगा जब पीछे के दो पड़ाव हम पार कर चुके होंगे, वाणी की शुष्टता होगी, अर्थ विज्ञान ठीक से होगा, तो हम हमारी बातें आगे डिलीवर कर पाएंगे, अगली जनरेशन को ठीक से समझा पाएंगे। तो फिर प्रागल्भ्य हमारे अंदर आ जाएगा, निर्भीकता से उस विषय पर बोलने की क्षमता हमारे अंदर आ जाएगी। तो वो तीसरा पड़ाव है और अंतिम है वाक्सौष्ठवेऽर्थ विज्ञाने प्रागल्भ्ये कर्म नैपुणे, कर्म नैपुणे। अब केवल हमें शास्त्र को पढ़ना और समझना नहीं है, उसमें जो ये एक चिकित्सा शास्त्र है तो इसमें जितने भी सिद्धांत हैं वो सभी उनका एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, तो उन सभी को हमें लागू करना है अपनी दिनचर्या में, अपने खान पान में, और जो हमारे मरीज आएंगे उनकी दिनचर्या, खान पान या जो भी चिकित्सा जिस भी स्वरूप की आचार्यों ने बताई है, फिर हमें उसमें प्रयास करना है। तो इस तरीके से चार स्टेप्स को लेकर हमें आगे बढ़ना है। उसी में पहले पड़ाव की तरफ आज हम बढ़ेंगे, वाक सौष्ठवे वाणी की शुष्टता, सूत्रों का उच्चारण कैसे करना है, फिर उसके बाद हम अर्थ विज्ञान पर फोकस करेंगे और साथ ही हम प्रैक्टिस में इन चीजों को लाते रहेंगे ताकि हमारे जो मरीज हैं वो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके मूल सिद्धांतों के साथ, सुनी सुनाई बातों के साथ नहीं। तो सबसे पहले प्रथमोध्याय चिकित्सा स्थानम, प्रथमोध्याय रसायनाध्याये प्रथमः पादः, पहला अध्याय जिसका नाम रसायन अध्याय है और उसमें भी हम पहला पाद शुरू करने जा रहे हैं, अथा तो भयामलकीयम् रसायन पादम व्याख्यास्यामः। अथ अतः अब इसके आगे अभयामलकीय, अभया और आंवला जिसमें है ई प्रत्यय यहाँ पर लगाया गया है, तो अभया और आंवले को अधिकार करके जो रसायन का पाद लिखा गया है उसकी हम वी आख्या स्यामः, वी विशेष रूप से
आख्या यानी कथन, यहाँ व्याख्या शब्द नहीं है मूल शब्द। जो मूल शास्त्रकार होते हैं वो कभी भी व्याख्या नहीं करते, व्याख्याकार यहाँ पर चक्रपाणि है और मूल शास्त्रकार यहाँ पर चरक है। तो व्याख्या स्यामह, वो कहते हैं कि हम विशेष रूप से उपसर्ग को यहाँ हमें अलग करना है। वी प्लस आख्या, यहाँ यण संधि लगी है, ई और अ का य बन गया, तो वी आख्या स्यामह, विशेष रूप से आख्या कथन स्यामह करेंगे हम यहाँ पर। अभयामल, अभया और आमलकी को अधिकार करके, जो रस अधिकरण तंत्र युक्ति भी यहाँ पर लगी है, तो अभया और आमले को अधिकार करके जो रसायन पाद लिखा गया है उसको हम विशेष रूप से कहेंगे। जो रसायन पाद अब बताएंगे उसको हम विशेष रूप से बताएंगे। इतिहास माहा भगवान आत्रेय। और दूसरी खास बात यह है कि आचार्य या जो पुरानी परंपरा अध्ययन अध्यापन की रही वो कुछ ऐसी रही कि अपने से जोड़ के कुछ नहीं कहना है, अपने से डिलीट करके कुछ नहीं कहना है। जो परंपरा पहले से चली आ रही थी हमारे आचार्यों की, जो गुरु से ज्ञान वो पाते थे, ठीक वैसा का वैसा ज्ञान अपनी अगली अगली जो पीढ़ी है उसको देते थे। तो इति स्म आह, और जो भी हम कुछ कहेंगे आगे वो सब कुछ ठीक वैसा ही कहेंगे जो कि भगवान आत्रेय ने कहा था। इति इति आह स्म भगवान आत्रेय, ऐसा भगवान आत्रेय ने कहा था। तो आप इस पर भरोसा कर सकते हैं जो भी हम आगे बताने वाले हैं। हालांकि ये अग्निवेश तंत्र है, जैसा कि हम चरक सूत्र में पढ़ते हैं कि बुद्धिर विशेषस्तत्र आसीन नोपदेशांतरम मुनेः। कई शिष्य थे, अग्निवेशश्च भेलश्च जतु कर्णः पराशरः हारितः क्षारपाणिश्च जगृहुस्तन मुनेर्वचः। तो आत्रेय पुनर्वसु, जो जिनको मैत्री पर की उपाधि भी दी गई, उन्होंने सोचा कि इस ज्ञान का प्रचार प्रसार किया जाए, तो उन्होंने अपने 6 शिष्यों को सबसे पहले पढ़ाया और उन्हें प्रेरित किया कि वो ग्रंथ निर्माण करें, ताकि उन ग्रंथों का अध्ययन करके संपूर्ण मानव जाति लाभ प्राप्त कर सके। तो ज्ञान उन्होंने अपने सभी शिष्यों को समान दिया था, किंतु बुद्धिर विशेषस्तत्र आसीन नोपदेशांतरम मुने, उपदेश में कोई अंतर नहीं था, लेकिन जो अग्निवेश उनके विशेष शिष्य थे उनमें बुद्धि की भी विशेषता थी, और इस वजह से उन्होंने सबसे पहले अग्निवेश तंत्र का निर्माण किया। उसी अग्निवेश तंत्र के जो खंडित अंश थे या जिस भी स्वरूप में आचार्य चरक ने उसको पूरित, आचार्य दृढ़बल ने पहले उसको पूरित किया, फिर आचार्य चरक ने उस पर अपना काम किया, और जो आज हमें प्राप्त ये जो संगीता है इसको हम चरक संगीता के नाम से जानते हैं। तो मूल रूप में ये अग्निवेश तंत्र ही है, और अग्निवेश आचार्य को जो ज्ञान दिया था वो भगवान आत्रेय ने, आत्रेय पुनर्वसु मैत्री पर आत्रेय पुनर्वसु ने दिया था। तो इसलिए शास्त्र में लिखा गया कि ये सभी जो भी ज्ञान इसमें निहित है या जो ज्ञान इस पाद में निहित है वो सब ठीक वैसा ही होगा जैसा कि हमारे आचार्य ने दिया था। हम जबरदस्ती अपने से कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, तो आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। इतिहास माह भगवान आत्रेय। आगे कहते हैं कि अच्छा, इसी पाद का वर्णन यहाँ पर क्यों आया पहले, या रसायन अध्याय का वर्णन चिकित्सा स्थान में क्यों आया सबसे पहले? तो जैसा कि हम जानते हैं चिकित्सा स्थान से जो पिछला स्थान है वो इंद्रिय स्थान है, और इंद्रिय स्थान में हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि इस व्यक्ति की आयु अभी शेष है भी या नहीं है। तो यदि उस व्यक्ति की आयु शेष होती है, वो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर लेता है रुग्ण व्यक्ति, तो अब उसके लिए जो आयु की वृद्धि करने वाला जो विज्ञान है उसी को रसायन विज्ञान कहते हैं, और इस वजह से पहले इसका वर्णन किया गया, बाद में ज्वर आदि चिकित्साओं को लाया जाएगा। तो यहाँ आचार्य चक्रपाणि ने लिखा भी है, पूर्व स्थानोक्त लक्षण भावेन अवधारित आयुष्मद भावेन चिकित्सा धर्मार्थ यशस्करी कर्तव्या इत्यनंतरम चिकित्सा विधायकम स्थान उच्यते। इंद्रिय स्थान में व्यक्ति रुग्णावस्था में हमारे पास आया, वहां पर हमें ये जानना था कि ये व्यक्ति
के जीवन की संभावना है या नहीं है, और यदि हम उसके जीवन की संभावना पाते हैं लक्षणों के माध्यम से, तो अवधारित आयुष्मद भावेन चिकित्सा, तो अब चिकित्सा ही है जो उसको आयुष्मान बना सकती है। तो वो चिकित्सा जो धर्म, अर्थ और यश को देने वाली है, वही चिकित्सा अब आगे की जानी चाहिए। इसलिए इंद्रिय स्थान के बाद चिकित्सा स्थान का वर्णन आया, और उसमें भी रसायन वाजीकरण साधनम अपि यथा चिकित्सोच्यते तथा अनंतरमेव वक्ष्यति, तत्रापि ज्वरादि चिकित्सायाः प्राग् रसायन वाजीकरणयोर् महाफलत्वेन आदौ अभिधानम्। अब इनमें भी रसायन वाजीकरण को चिकित्सा स्थान में पहले कहा जाता है ज्वर आदि की चिकित्सा से पहले, क्योंकि रसायन और वाजीकरण महान फल को देने वाले हैं। रसायन और वाजीकरण जो चिकित्साएं हैं या जो ये विधाएं हैं, ये व्यक्ति के जीवन में महान फल को देने वाली होती हैं। तयोरपि च रसायनमेव, और उनमें भी रसायन और वाजीकरण में भी यदि हम तुलना करें, तो वर्ष सहस्रायुष्वादि कारणतया रसायन ऐसी विधा है जो 1000 वर्ष की आयु भी दे सकती है। तो हालांकि वाजीकरण संतति परंपरा आगे बढ़ाने में हमें मदद करता है, किंतु उससे भी महान फल यदि हम सोचें, तो 1000 वर्ष की आयु यदि कोई विद्या हमें दे दे, तो उससे बड़ी विद्या कोई नहीं हो सकती। इसलिए तयोरपि, उन दोनों में से भी जो रसायन चिकित्सा है, वो वर्ष सहस्रायुष्वादि कारणतया महाफलम इति तद अभिधीयते, इसलिए पहले उसका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। और तत्रापि च अभयामलकीयश चिकित्सा स्थानार्थ सूत्राभिधायकतया अग्रे अभिधीयते, जो सूत्र रूप में अभया और आमला इनका वर्णन या इनके योगों का वर्णन विशेष रूप से शायद इस अध्याय में किया जाएगा, तो या सूत्र रूप में ये पूरी रूपरेखा को समझाने वाले हैं इस अध्याय, इस पाद के माध्यम से। तो सबसे पहले अभयामलकीय पाद का वर्णन यहाँ किया जाएगा। तो सबसे पहला जो श्लोक आता है, अभी तक श्लोक कोई भी नहीं आया अध्याय में, सबसे पहला श्लोक हमारे पास आता है, चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चित्तम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम विद्याद्भेषजनामानि भेषजम द्विविधम च तत्। यहाँ पर हमारा श्लोक पूर्ण होता है। श्लोक किसी भी लिखित पद्य को हम श्लोक नाम तब देते हैं जब उसे गाया जा सके, उसके अंदर एक विशेष छंद हो। छंद कब बनता है? जब वर्णों का एक विशेष पैटर्न है, चार पाद यदि हमें उसमें दिखाई दे, जैसे कि श्लोक में हम ध्यान से देखें तो चिकित्सितम व्याधिहरम ये पहला पाद पूर्ण होता है, पथ्यम साधनम औषधम ये दूसरा पाद है, प्रायश्चित्तम प्रशमनम ये तीसरा पाद है, और चौथा पाद होगा प्रकृति स्थापनम हितम। इस प्रकार से यहाँ पर चार पाद बनते हैं। तो इन चारों पादों में भी वर्णों का एक खास पैटर्न है, एक पाद में कितने वर्ण होंगे वो निश्चित है। चिकित्सितम, आप यदि ध्यान से देखें, ची की और आधे वर्ण की काउंटिंग नहीं की जाती है छंद का ज्ञान करते समय, तो हम आधे तक को नहीं गिनेंगे। तो ची की सी तम व्या धी हरम, तो यहाँ पर आप देखिए 8 वर्ण बन रहे हैं। अगले पाद में भी आप गिनेंगे, फिर से 8 वर्ण आएंगे, उससे तीसरे पाद में आप गिनेंगे तो भी 8 पद आएंगे, 8 वर्ण आएंगे। तो अनुष्टुप छंद में क्या होता है कि चारों पादों में 8 8 वर्ण होते हैं, तो उसका गायन भी हमें विशेष रूप से करना पड़ेगा। इसको यदि सामान्य रूप से हम पढ़ेंगे तो हमें ये याद नहीं होगा, किंतु यदि इसका गान करके हम पढ़ेंगे अनुष्टुप छंद के रूप में, तो ये हमें बहुत जल्दी याद हो जाएगा। इसीलिए शास्त्र की शैली ऐसी थी पुरातन काल में कि उसको श्लोकों में पिरोया जाता था विभिन्न छंदों के माध्यम से, ताकि वो जल्दी से याद हो सके। पहले स्मृति परंपरा ही अधिक चलती थी, सुन के और याद कर लेते थे, और वही बातें आगे अगली पीढ़ी को दे दी जाती थी। तो यदि हम इसको अनुष्टुप छंद में पढ़ेंगे तो ये बहुत जल्दी याद हो जाएगा। रही बात उच्चारण स्थान की, तो ध्यान से देखिए कौन सा वर्ण छोटी मात्रा के साथ है, कौन सा वर्ण बड़ी मात्रा के साथ है,
उसी तरीके से उसका उच्चारण करेंगे, जैसे चिकित्सितम, इन सब में छोटी ई की मात्रा है, चिकित्सितम व्याधि हरम पथ्यम साधनम साधनम औषधम औ ओ औ, तो इसको औ को उच्चारण स्थान हमें ऐसा ही रखना है औ। यदि हम पाठ अच्छा करते हैं तो वो इस बात का परिचायक है। मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगी कि ये व्यर्थ नहीं है जो हम भाषा पढ़ रहे हैं, भाषा पढ़ने से हमें वास्तविक मर्म पता चलेगा कि शास्त्र वास्तव में हमें क्या कहना चाह रहा है। हम हिंदी रूपांतरों, हिंदी ट्रांसलेशन की जो बुक्स हैं उन पर निर्भर नहीं रहेंगे। तो वास्तव में यदि हम चरक पढ़ना चाहते हैं तो हमें शुरुआत संस्कृत से ही करनी पड़ेगी। तो चिकित्सितम व्याधि हरम पथ्यम साधनम औषधम, अनुष्टुप छंद की लय आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि कैसे ये गाया जाता है। चिकित्सितम, किसी दिन हम केवल छंद को भी, यदि आप रुचि रखते होंगे तो केवल छंद, कितने तरीके के छंद हो सकते हैं, उनका गायन कैसे होता है, उनमें कितने वर्ण होते हैं, कितनी मात्राएं होती हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। तो अभी हमारा श्लोक हमें ये बताता है कि चिकित्सितम चिकित्सा, व्याधि हरम व्याधि हर, पथ्यम पथ्य, साधनम साधन, औषधम औषध, प्रायश्चित्तम प्रायश्चित्त, प्रशमनम यानी प्रशमन, और प्रकृति स्थापनम प्रकृति में फिर से स्थापित करना, हितम जो कि हितकर है, विद्यात, इन सभी को विद्यात जाने, क्या जाने आप, भेषज नामानी, भेषज के नाम जाने। कैसी भेषज के नाम जाने, भेषज यानी चिकित्सा, भेषज यानी केवल औषधि नहीं है, क्योंकि नीचे टीका में देखिए आचार्य चक्रपाणि कहते हैं तत्रादौ व्यवहारार्थम स्थानाभिधेयस्य भेषजस्य पर्याया पर्यायानाः चिकित्सितम इत्यादि। चिकित्सितम इत्यादि जो श्लोक है, इस श्लोक से आचार्य चरक सबसे पहले व्यवहारार्थम, व्यवहार यानी जब हम चिकित्सा शास्त्र पढ़ने जा रहे हैं तो कम से कम हमें चिकित्सा के नाम तो पता हो सभी, कि हम चिकित्सा को और किन किन नामों से जान सकते हैं। जैसे कि हमने जब निदान स्थान पढ़ा था तो निदान स्थान में सबसे पहले क्या आया था, हेतु रूप आदि पर्याय कथन आए थे, कि निमित्त हेतु आयतन प्रत्ययोत्थान कारण ही निदान माहु, निदान को इन इन नामों से जाना जाता है, यदि आपको निदान स्थान याद होगा तो वहां पर भी पहले निदान के नाम बताए, निमित्त कि हम उसको निमित्त भी बोल सकते हैं, हम उसको हेतु भी बोल सकते हैं, हम उसको आयतन भी बोल सकते हैं, निमित्त हेतु आयतन प्रत्ययोत्थान कारण ही। तो जब तक हमें, हम किन किन नामों से उसको बुला सकते हैं, यदि हमें नाम ही नहीं पता होंगे तो हम चिकित्सा में आगे प्रवृत्त कैसे होंगे। तो आपस में संवाद करते समय यदि कोई हमें पथ्य बोल दे, यदि कोई हमें औषध बोल दे, कोई हमें साधन प्रकृति स्थापन बोल दे अपनी भाषा में, तो कम से कम हमें ये पता हो कि ये चिकित्सा की बात कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले चिकित्सा के जितने भी पर्याय संभव है उन सभी पर्यायों का वर्णन आचार्य कर रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से। आगे कहते हैं कि करोति चैवम आदौ प्रधानाभिधेय पर्यायाभिधानम यथा निदाने हेतु पर्यायादि हेतु रूपादि पर्याय कथनम। निदान स्थान में भी हेतु और रूप, रूप के भी पर्यायवाची इसी तरीके से बताए गए थे। तो जो पर्याय का कथन सबसे पहले करना चाहिए हमें हमेशा, ताकि आगे जाके विभ्रम ना हो संवाद करते समय। आगे कहते हैं एतच्च पर्यायाभिधानम प्राधान्येन चतुष्पादस्यैव भेषजस्य। यहाँ पे कैसी भेषज के पर्याय वाची हैं ये सारे शब्द, कहते हैं जो चतुष्पाद रूपी भेषज थी। चतुष्पाद रूपी भेषज यानी जिसमें वैद्य भी है, जिसमें औषधि भी है, जिसमें परिचारक भी है, और जिसमें रोगी खुद भी है। तो ये चारों वाली षोडश कला से युक्त जो ये चार चीजें हैं, इन इन प्रत्येक में चार चार गुण होने चाहिए, उस चिकित्सा की यहाँ पर बात कर रहे हैं, केवल औषधि की बात नहीं कर रहे। तो आज के बाद जब जब चिकित्सा शब्द हमारे दिमाग में आएगा तब तब हमें चारों को ध्यान में, यानी वैद्य अपने गुणों से युक्त होना चाहिए, वैद्य शास्त्र में पारंगत होना चाहिए। तो हमें हमारी कमियों को सबसे पहले दूर करना है कि हमें शास्त्र को विशेष रूप से, यदि हम काय चिकित्सक हैं तो चरक संहिता को शुरू से लेकर के आखिरी तक, शुरू से आखिरी तक, सूत्र स्थान के पहले शब्द से एकदम अंतिम शब्द तक 2-3 बार हमें पढ़ना है। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक मर्म ज्ञान नहीं होगा, सिद्धांतों का ज्ञान नहीं होगा, तो हम चिकित्सा में प्रवृत्त कैसे हो पाएंगे। तो सबसे पहले
हम अपनी कमियों को सुधारें, एक उत्तम वैद्य बने, फिर उसके बाद हम परिचारक को भी ट्रेन करें। आजकल आप देखिए थेरेपिस्ट जो है उनको भी मूल या वास्तविक ज्ञान नहीं है, उन्हें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, शास्त्र की नॉलेज भी होनी चाहिए। एक स्किल की बात होती है और एक बात होती है कि उनको हम स्पेशली ट्रेन करें उस चीज के लिए, बेसिक सिद्धांत उन्हें भी मालूम हो, अनुपान के बारे में या अभ्यंग आदि के बारे में। जैसे हमने किसी पेशेंट का अभ्यंग लिखा और पेशेंट का अभ्यंग उस परिचारक ने कर दिया, लेकिन वो अभ्यंग किस प्रकार से करना था, उस अभ्यंग से उस व्यक्ति को लाभ हुआ या नहीं, इससे हमें पता चलेगा कि वो परिचारक अच्छे से ट्रेंड है, वो सभी गुणों से अपने युक्त है या नहीं। तो यदि ऐसा नहीं है, वो परिचारक थेरेपिस्ट भी हो सकते हैं, वो परिचारक घर में ध्यान रखने वाले जो लोग हैं, यदि वो समझदार हैं, वो सब बातों को समझते हैं और पथ्य पथ्य को ठीक से समझ के गंभीरता से पालन करवाते हैं, तो वो भी एक हमारे लिए चिकित्सा के लिए उत्तम बात होगी। चिकित्सा हमारी तभी सफल होगी जब वो 16 कलाओं से युक्त हो, चारों वैद्य, रोगी, रोगी भी के भी जितने गुण बताए गए हैं वो भी अच्छी क्वालिटी का रोगी हो जो हमारे पास आ रहा है, सभी बातें माने और सभी बातों को मान के उनको फॉलो करने का प्रयास करे, विषादग्रस्त ना हो, उसकी विल पावर स्ट्रांग हो, तो हम जानते हैं कि चिकित्सा हमारे लिए आसान हो जाती है। तो ये चिकित्सा की जो बात कर रहे हैं, ये जो पर्याय कथन कहे गए हैं, आचार्य चक्रपाणि जी का कहना है कि ये षोडश कला, षोडश गुणों से युक्त जो भेषज चिकित्सा है उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। पर्यायवाची शब्दों में यदि हम देखें तो चिकित्सितम यानी चिकित्सा, व्याधि हर जो व्याधि को हर ले, तो यानी वो 16 गुणों से युक्त, वो चार वैद्य आदि औषधि भी अपने गुणों में युक्त होनी चाहिए, जो जो औषधि के गुण हैं अपने वीर्य से युक्त होनी चाहिए, उसका औषध काल जो हमें निर्धारित करना है, तो वैद्य सक्षम हो कि वो सटीक औषध काल में औषधि दे दे, सटीक मात्रा में औषधि दे दे, विभ्रम ना हो उसको कोई भी, तो तभी सही चिकित्सा मानी जाएगी। यदि वैद्य अपने ज्ञान से युक्त नहीं है, युक्ति नहीं लगा पा रहे हैं, तो भी वो चिकित्सा नहीं कहलाएगी, चिकित्सा हो ही नहीं रही फिर वहां पर, या औषधि अच्छी क्वालिटी की नहीं है तो भी चिकित्सा नहीं हो रही है। तो सब बातों को हमें देखकर फिर ही हम उसको चिकित्सा नाम दे सकते हैं। तो चिकित्सा व्याधिहर पथ्य, पथ्य जो कि पालन करने योग्य है, तो वो 16 कलाओं से युक्त, तो वो चारों जो हैं अपने सभी गुणों से युक्त तो होकर के जब कोई कर्म करेंगे तो वो करने योग्य कर्म होता है जो कि रोगी को स्वास्थ्य लाभ देगा। साधनम, साधनम जो कि साधन है व्यक्ति के स्वास्थ्य लाभ का, औषधम, औषध भी हम उसको बोल सकते हैं। प्रायश्चित्त, टीका में लिखा है प्रायश्चित्तम इति भेषज संज्ञा, प्रायश्चित्तवद भेषजस्य अधर्म कार्य व्याधिहरत्वेन, जैसे हम कोई अधर्म कार्य करते हैं तो हम प्रायश्चित्त करते हैं उसके लिए कि हम आज ये व्रत रखेंगे, कल हमसे ये गलती हुई, धर्मशास्त्र में कुछ नियम बताए गए हैं तो उनके लिए प्रायश्चित्त भी किया जाता है। तो कहते हैं चिकित्सा का नाम प्रायश्चित्त इसलिए रखा क्योंकि जो रोग होता है वो भी अधर्म कार्य के फलस्वरूप ही होता है। धर्म हमारा क्या था? सही दिनचर्या का पालन करना, सही आहार विधि का, ऋतुचर्या का पालन करना, यदि हम वो सब करते रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, यदि हम नहीं करेंगे तो गलत कार्य करने की वजह से हमें वो व्याधि हुई और उस व्याधि का निराकरण हम प्रायश्चित्त के माध्यम से, प्रायश्चित्त में हम सही काम करते हैं, फिर से जो पुरानी गलतियां हमने की उनको सुधारते हैं, तो इसलिए प्रायश्चित्त भी चिकित्सा का नाम दे दिया गया। प्रशमनम, प्रशमन जो कि शांत करे, जो भी समस्या शरीर में उत्पन्न हो गई है उसको शांत करे, जो दोषों का प्रकोप हो गया है, धातुओं में जो विषम परंपरा चल पड़ी है उसको जो शांत कर दे, वही प्रशमन है। और प्रकृति स्थापनम, ये तो बहुत सरल शब्द है, जो प्रकृति में फिर से स्थापित कर दे, जो विकृति हुई उससे दूर करे, प्रकृति के पास लेकर जाए, वही चिकित्सा है। और हितम जो हमारे शरीर के लिए विशेष करके हितकारी है, वे सभी विद्यात भेषज नामानी चिकित्सा के नाम जानने चाहिए। तो इस प्रकार से पहला श्लोक यहाँ पर हमने पूरा किया। एक बार जो भी आज 3 सूत्र हमने पढ़े उनको फिर से देखते हैं। अथातो भयामलकीयम
रसायन पादं व्याख्यास्यामः इतिहास्माः भगवानात्रेयः। ये श्लोक नहीं थे इसलिए हमने इनको गा के नहीं पढ़ा। चिकित्सितं व्याधिहरं पथ्यं साधनम् औषधं प्रायश्चित्तं प्रशमनं प्रकृतिस्थापनं हितं विद्याद्भेषजनामानि भेषजं द्विविधं च तत्। तो अभी हमने केवल चिकित्सा के नाम जाने, पर्यायवाची कितने हो सकते हैं उसके, वो जाने। अब हम आगे कल से इसी पाठ को आगे बढ़ाएंगे। भेषजं द्विविधं च तत्। और वो जो चिकित्सा है वो दो प्रकार की होती है। चिकित्सा यानी हर बार वही चारों, वैद्य औषधि, केवल आपने औषधि चिकित्सा नहीं। बहुत अच्छा पढ़ा आपने। आपके सेशन में यहाँ बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे डॉक्टर अनूप गक्खड़ सर जी भी हैं, बेसिक प्रिंसिपल के विद्वान हैं। मैं देख रहा हूँ डॉक्टर अंजना जी भी हैं। तो मैं आपके इस सत्र के बारे में मैं गक्खड़ सर से अनुरोध करूंगा कि सर, ये गुरुकुल की छात्रा रही हैं, तो आप चूंकि बेसिक प्रिंसिपल के सर बहुत विद्वान हैं, तो आज पहले सत्र में इन्होंने लिया है, कैसा आपको लगा और क्या और अच्छा कर सा किया जा सकता है, आप चाहें तो सर ये बता सकते हैं। जी जी सर, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। डॉक्टर अंजना जी भी यहाँ पे दिख रही हैं। मैडम जी, डॉक्टर सर, आर यू एबल टू अनम्यूट योर सेल्फ? लगता है शायद वो व्यस्त हैं। अगर आप में से कोई भी इस सत्र में जुड़ना चाहें, और इस सत्र से हम रोज, हमारा ये 7 से 7:30 बजे तक ये सत्र चलेगा, और आज तो शायद मुझे लगता है कि सुजाता जी आपने पारायण किया, और जो लोग इसमें आपके साथ भाग लेना चाहते हैं वो भी भाग ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं साथ में बैठ के। और आपके कुछ सुझाव हो तो आप जरूर दीजिएगा। यहाँ पे राघवेंद्र राव जी भी हैं, बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं यहाँ पे आपके सत्र में, तो बहुत अच्छा पढ़ा आपने हेलो। सुजाता जी। जी 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 सर, जी सर, गक्खड़ सर, हाँ हाँ नमस्ते। देखिए, मैं सुन रहा था, पूरा प्रो सुना है, बहुत अच्छा लगा मुझे। ये तो हम लोगों जी के लिए बड़ी फ्रेशिंग हो जाता है। बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया डॉक्टर साहब ने, तो मेरा ख्याल है मैं भी रोज कोशिश किया करूंगा जुड़ने की। ये डेली हो रहा है आपका? जरूर डेली होगा सर, डेली होगा। और आप सर अपने इसमें कंट्रीब्यूशन भी दीजिएगा सर, इसमें कुछ अपने। जी जरूर जी थैंक जरूर जरूर यू सर, थैंक यू, थैंक मुझे। यू सर, धन्यवाद ओके ओके धन्यवाद। तो वैद्य सुजाता जी, आपने बहुत बढ़िया पढ़ा, थैंक यू आपका बहुत बहुत। और आप हर आधे घंटे हमारा रोज ये सत्र होगा, आप सब जुड़िए इससे। और हमारी रात को 9 बजे क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा भी होगी, जो वैद्यों के लिए होगी, वो भी वैद्य सुजाता जी उसको चलाएंगी, मॉडरेट करेंगी। सबसे बड़ी बात है कि आपने इतना अच्छा पढ़ा सुजाता जी, आप काय चिकित्सा में एमडी हैं, और आप तो बेसिक प्रिंसिपल में लग रहा था, आपने तो सूत्रों को, उनके अर्थों को बहुत अच्छी तरह समझाया, बहुत बढ़िया। तो चलिए इसको कंटिन्यू करिए, बहुत बहुत बधाई आपको। आधे घंटे का हमारा रोज ये सत्र होगा, थैंक यू बहुत बहुत। सीबीपी सिंह साहब भी आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, बहुत बढ़िया सत्र, धन्यवाद बहुत ही सर, धन्यवाद। अच्छा। और आयुष दर्पण के फेसबुक पेज पर ये लाइव है, तो 60 से 70 हजार लोग वहां हैं, और ये यूट्यूब पे जाएगा रिकॉर्डिंग होके, तो आप जुड़ सकते हैं इस सत्र से रेगुलर, और आपको हम उसका तरीका भी बताएंगे। अभी फिलहाल आप ज्वाइन कीजिए हमारे साथ फेसबुक पे, यूट्यूब पे, और जो लोग जूम पे ज्वाइन कर रहे हैं वो जूम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप 9410379397 नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ हो। सुजाता जी नमस्ते। नमस्ते सर, धन्यवाद सभी।